स्नेहा और अंजना ओम कश्यप की स्टोरी को चार एंगल से पेश करता हूँ और YouTube में करने वाला है पहला चैनल बन जाएगा। अब आप बताइए कौन सी एंगल से आपको स्टोरी अच्छी लगी और कौन सा एंगल आपको लगता है ज़्यादा प्रभावी है। शुरू करते हैं और शेयर करने से आप रोक नहीं पाएंगे, सिर्फ चार पर्सपेक्टिव को देखिए। पहला पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं एंटी आज तक और गोदी मीडिया के टैग से पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लोग लिखेंगे, अंजना ओम मोदी कल जबरदस्ती UN में तैनात स्नेहा दुबे नाम की अधिकारी जिन्होंने दो दिन पहले UN के सम्मेलन में भारत के राइट टू रिप्लाई का अधिकार का उपयोग करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण का जवाब दिया था और उनके कैबिन में माइक लेकर के अंजना ओम मोदी घुस जाती हैं कि आप बताइए ये बताइए फलान ढिमकाना, और स्नेहा दुबे ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाई और कहा कि चलिए पहली फुर्सत से निकल। और उन्होंने स्नेहा दुबे ने पहले कह चुका था कि जो कुछ बोलना था बोल चुकी है, आप बाहर जाइए। जबरदस्त बेइज्जती अंजना ओम कश्यप की। एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं इसी केस में, कास्ट एंगल और प्रो मोदी पर्सपेक्टिव। स्नेहा दुबे एक तो भारतीय और ऊपर से ब्राह्मण, जब शासक मजबूत हो तो प्रशासक ऐसे ही धाकड़ बनकर के अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी पाकिस्तान की बखिया उधेड़ता रहेगा, क्योंकि साहब मोदी है तो मुमकिन है स्नेहा दुबे ब्राह्मण लड़की, जिंदाबाद जिंदाबाद। और तीसरा पर्सपेक्टिव लेते हैं एंटी कास्ट पर्सपेक्टिव। अब देखिए लड़की ब्राह्मण है तो जो जाति पे गर्व करने वाली जो पोस्ट लोग फैलाना शुरू कर रहे हो ना, आप बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो। क्यों, ये आप कुंठित आदमी हो क्यों? सवाल ये है, जो भी लड़की है चाहे दुबे साहब हो, जिसे ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण है इसलिए वो ये कर पाई, और ऐसा आप तर्क दे रहे हो। बात सुनिए, ये जो लड़की है ना अपनी नौकरी कर रही है और लिखे लिखाए रटे रटाए पॉइंट्स को वो लगातार पढ़ रही है। ये जो पढ़ रही है ना उसे कहते हैं ड्राफ्ट, और इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए कम से कम 10 जूनियर ने मिलकर के इसको बनाया है। उसकी क्या जाति है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। फिर उसके बाद 2 से 3 सीनियर ने जाकर के उसको सुधार किया होगा, फिर अप्रूव किया होगा, उनकी भी जाति क्या है ये भी आपको नहीं पता। कितने ब्राह्मण कितने क्षत्रिय कितने वैश्य पता ही है, क्या बात है। जो भी पॉइंट स्नेहा दुबे ने बोले हैं उसमें कोई दम फम नहीं है। देखिए चाचा, अगर मॉडल टाउन में खड़े हो जाएंगे ना तो चाय वाला भी आपको समझा देगा, स्पीच में कोई तोप वाली बात नहीं है। नौकरी मिली है तो नौकरी कर रही है, और चार नौकरी करने वाले नीचे लिखे रटे रटाए भाषण को पढ़ रही है, वो बिना देखे भी नहीं, देख करके बोल रही है। चौथा पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं प्रो अंजना और हिंदी का इमोशनल तड़का। देखो अभी UPSC का रिजल्ट निकल के सामने आया है, बिहार के शुभम ने टॉप किया है, इस बात पे बधाई और कांग्रेचुलेशन आप लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन साल 2016 से आज तक सिर्फ एक ही हिंदी भाषी IAS बन पाया है। शुभम ने भी इंग्लिश के माध्यम से सफलता प्राप्त की है। क्या ये मोदी सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी के राज्य में भी हिंदी भाषी उम्मीदवार के साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्या हिंदी भाषा इतनी दरिद्र हो गई है कि मोदी सरकार के राज्य में एक हिंदी मीडियम से व्यक्ति IAS नहीं बन पा रहा? स्नेहा दुबे अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती नहीं की है बल्कि उसने हिंदी माध्यम का अपमान किया है। राजनैतिक प्रशासनिक और व्यवसायिक व्यवस्था यही मानती है कि अंग्रेजी में बोलने वाले ज्यादा बुद्धिमान और तार्किक होते हैं। यही सोच स्नेहा जैसे लोगों की मानसिकता पर एक प्रकार का अहंकार भर देती है जो किसी को भी कहीं पर भी बेइज्जत करने का अधिकार रखती है। और इसी मोह से ग्रसित व्यवस्था ने ही हिंदी और जो प्रांतीय भाषाओं के मेधावी छात्रों को UPSC से बाहर का रास्ता दिखाया है। 2019-20 में सिर्फ 48 छात्रों का चयन हुआ था, सिर्फ एक को IAS मिल पाया। देखिए इतनी बुरी हाल है। अब आते हिंदी मीडियम पे। अंजना ओम कश्यप बतौर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के बावजूद अंजना ओम कश्यप ने हिंदी माध्यम की पत्रकारिता की है और देश में अपना एक मुकाम बनाया है। श्वेता रूबिका ये सब हिंदी भाषा की ताकत की कहानी है। हिंदी को लोकप्रिय बनाया, राजदीप और शशि थरूर जैसे लोगों को हिंदी में ट्वीट करना भी सिखा दिया, और इंग्लिश माध्यम से बनी IFS स्नेहा दुबे, अरे हद कर दी आपने। इज्जत से अगर अंजना ओम कश्यप को मना कर दिया होता ना कि उनको मीडिया में बोलने की अनुमति नहीं है और हाथ दिखाया नहीं होता, तो अंजना ओम कश्यप सीधे अपना भी बाहर चली जाती।
माना कि डिप्लोमेट को नपे तुले शब्द बोलने होते हैं। अगर स्नेहा मैडम अगर आप अंजना से ये कह देती कि मुझे मीडिया में बोलने की अनुमति नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा प्रोटोकॉल टूट जाता या फिर कौन सी डिप्लोमेसी पे आंच आ जाती, ये आप मुझे बताइए। अंजना से मना करती, अंजना जी चली जाती। लेकिन नहीं, अकड़ है ना इंग्लिश वाली, अंग्रेजी माध्यम वाली जो अकड़ है अंजना इसमें स्नेहा दुबे में वो दिखाई देती है। उनकी विनम्रता में साफ तौर पर अकड़ दिखाई दे रही थी। इन्हीं स्नेहा दुबे जैसे लोगों ने आपके हिंदी बोलने वाले परिवार के मेधावी सदस्यों को यूपीएससी में और न जाने कहां कहां से बाहर का रास्ता दिखाया होगा साहब। अंजना ओम कश्यप जैसी हिंदी बोलने वाली लड़की आपके घर तक पहुंच रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। अरे कई बार तो टाइम ऐसा होता है कि परमिशन लेने का टाइम नहीं होता, लेकिन अंजना ओम कश्यप जो कर रही थी वो भी पत्रकारिता कर रही थी साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत सही किया, हम समर्थन उसका करते हैं, अंजना ओम कश्यप का सल्यूट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये चार तरह से पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की कि एक स्टोरी को किस एंगल को देकर के किस तरह से आपके दिमाग के साथ आसानी से खेला जा सकता है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है, बस यही है कि आप किस तरह की पोस्ट को लाइक डिसलाइक और कमेंट करते हो, उसी तरह से आपको इन चारों में से एक पोस्ट को पुश कर दिया जाता है ताकि आपको एक्सट्रीमिस्ट बनाया जा सके। और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, जो कट्टर होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा एवरेज रहता है। तो ये मेरा एक सोच है। फिलहाल मुझे आप बताइए कौन सा पॉइंट आपको सही लगा, और साथ ही आई9 न्यूज़ इंडिया की लाइफ बढ़ाने के लिए भैया मेंबरशिप ले लीजिए। YouTube की और Patreon की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को 3 WhatsApp ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।